हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो एक हेयर मास्क है। बालों को ब्लैक करता है और साथ ही उनको नरिश करता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ग्रे हेयर्स हैं तो उनको भी आप जल्दी से छुपा सकते हो इससे। तो ये ना बड़ा ही सिंपल सा हेयर मास्क है बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसके लिए देखिए मैंने लिए यहाँ पे करी पत्ते। जी हाँ, करी पत्ते जो हम छोंक में डालते हैं ना, वो वाले करी पत्ते ही हैं। साथ ही लिया है यहाँ पे मेथी दाना, दही और ये है मेहंदी। तो ये इन सबको मिला के मैं एक पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, करी लीव्स, दही और मेथी दाना इसको मिक्सचर जार में डाल के पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम एक मेहंदी मिक्स करके पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से पहले मैं ये पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा सा दही रखा है उधर क्योंकि एक बार में थोड़ा सा ही आता है जार में। तो इसका एक पेस्ट बनाएंगे और साथ के साथ ना मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता दूंगी, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इनके और किस तरीके से ये वर्क करता है वो मैं आपको वीडियो में बताती रहूंगी। बट पहले हम ये कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ना किसी भी लोहे की कढ़ाई में आप बनाएंगे ताकि उसका जो लोहे की कढ़ाई का जो काट होता है, मतलब उसका जो एक ब्लैक कलर आता है मेहंदी में, वो आपको मिलेगा। आयरन होता है उसमें, वो आपको मिलेगा। आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है, इफेक्टिव होता है। तो आप हो सके जहाँ तक लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करें। तो चलिए फटाफट से ये पेस्ट बनाते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये पेस्ट मैंने बना लिया। इसमें मेहंदी भी निकाल ली है, ये थोड़ा सा जो दही बचा हुआ था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और बस फिर फटाफट से ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो चलिए फटाफट हम ये काम भी कर लेते हैं। बस इसको कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। और इसके ना मतलब जो हेयर पैक हैं वो ऑलरेडी मैंने 2-3 अलग अलग तरीके के मैंने शेयर कर रखे हैं अपने फूड फाइट वाले चैनल पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो भी बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। बनाना हेयर पैक है और इंडिगो पाउडर का हेयर पैक है, काफ़ी मतलब अलग अलग तरीके के हैं। और ये मैंने करी लीव्स एंड मेथी वाला हेयर पैक आपके लिए बनाया है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, काफ़ी हेल्पफुल है आपके बालों को झड़ने से रोकने के लिए। अलग शाइन देता है उनको, अच्छी ग्रोथ देता है और बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं कम उम्र में ही उसको भी ये रोकता है। तो यह काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसके बारे में भी, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो पहले मैं चलिए पेस्ट बना लेती हूँ। इसको मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे छोड़ दूंगी सीमे कढ़ाई में। आप चाहें तो इसको रात भर भी छोड़ सकते हैं और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे सुबह ही भिगो रही हूँ तो मैं अराउंड 4 से 5 घंटे इसको छोड़ूंगी भिगने के लिए, उसके बाद अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए, ये मेरी मेहंदी जो है वो भीग चुकी है। अब इसको मैं 4-5 घंटे छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए काला पानी इसने छोड़ दिया है, काली काली हो गई है ना साइड से, तो ये लोहे की कढ़ाई की वजह से है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर लगाएंगे। मैंने मेहंदी, अब क्या करेंगे, इसको तकरीबन मैं 2.5 से 3 घंटे तक सुखा लूंगी, उसके बाद इसे वॉश करूंगी, सिर्फ पानी से वॉश करूंगी। उसके बाद इसमें जब सूख जाएंगे तो अच्छे से ऑयल मसाज कर लूंगी और फिर कल हम इसमें शैम्पू करेंगे। तो बस अब इसे सुखाएंगे। आप देख सकते हैं पूरे बालों पे मैंने लगा ली है, तो अब इसे सुखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, मेरी मेहंदी जो है वो सूख गई है, इस तरीके से कुछ हो गए हैं बाल। तो अभी हम करेंगे इनको वॉश और फिर देखते हैं क्या कलर आता है। ओके, तो जी मैंने बाल धो लिए हैं और ये कुछ इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा
अभी, क्योंकि सिर्फ मैंने बाल पानी से धोए हैं तो इस तरीके से लग रहे हैं। अब ये सूख जाएंगे, उसके बाद मैं इनमें ऑयलिंग करूंगी और फिर कल इनमें शैम्पू होगा, तब जाके पता चलेगा कि क्या इसमें कलर आया है, कितना कलर आया है, तो वो कल पता चलेगा ढंग से। तो आज का तो अपडेट यही है, कल मैं आपसे मिलती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसा रहा ये करी पत्ता वाला हेयर पैक। तो लेट्स सी। धोने के बाद ना मेरे बाल कुछ इस तरीके के लग रहे हैं, आप देख सकते हैं, अभी थोड़े गीले हैं, सूखने के बाद कलर समझ में आएगा, बट काफी अच्छा लगा मुझे ये वाला पैक। आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, काफी स्मूथ बाल हो जाते हैं और कलर चेंज हो जाता है, साथ ही करी पत्ते का जो बेनिफिट है वो इनको मिलता है। तो आप जरूर इसे ट्राई करके देखें, क्या पता आपको भी अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे और कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। तब तक के लिए बाय बाय।